संविधान दिवस सप्ताह के तहत प्लस टू उच्च विद्यालय गिरिडीह एवं रानी लक्ष्मीबाई बालिका मध्य विद्यालय गिरिडीह में छात्र छात्राओं के बीच मंगलवार को कई तरह की प्रतियोगिताएं करवाई गयी। यहाँ भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों एवं मानवाधिकारों के ऊपर वाद विवाद प्रतियोगिता, पेंटिंग एवं लेखन प्रतियोगिता का आयोजन कर उन्हें भारतीय संविधान के मूलभूत विषयों के ऊपर जागरूक किया गया। इस दौरान डालसा के सचिव सौरभ कुमार गौतम ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का संविधान ही भारत का सर्वोच्च ग्रंथ है एवं इसकी प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। भारत के संविधान में इस देश के समस्त नागरिकों के लिए अधिकारों की व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ पूरे देश का संचालन भारतीय संविधान के माध्यम से ही होता है। भारत में जितने भी कानून है वह सभी संविधान के दायरे में ही संचालित होते हैं। संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के तहत इस देश में विद्यार्थियों को भी शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। कार्यक्रम में दोनों विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं सभी शिक्षकगण, जागो फाउंडेशन के कर्मचारीगण सहित पारा लीगल वॉलंटियर्स दिलीप कुमार, संतोष कुमार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कर्मी नवनीत कुमार दाराद एवं देवेंद्र कुमार दास उपस्थित थे।